हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग फ्रिज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा गोदरेज का फ्रिज है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे गोदरेज का फ्रिज है, 165 लीटर है इसका, ये क्यूई लीटर के हिसाब से अपना ये आता है। और इसका कंप्रेसर जो है हमारा HP में रहता है, जो कि हम लोग बाकी इक्विपमेंट AC वगैरह यूज करते हैं उसमें टन के हिसाब से 1 टन 2 टन ऐसा रहता है। तो इसमें हम जानेंगे मोस्टली क्या प्रॉब्लम होता है, और अगर आपको घर में भी अगर किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है फ्रिज का, या आप AC टेक्नीशियन कहीं काम करने जाते हैं, तो क्या क्या आपको फर्स्ट चेक करना है, कैसे चेक करेंगे। अगर कूलिंग नहीं कर रहा है या कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो क्या क्या आपको चेक करना है, वो हम आपको बताएंगे। तो हमारे पास ये एक कंप्रेसर है, जिसका एक यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास ये बॉक्स टाइप रिले है। ये बहुत पुराना मॉडल है गोदरेज का, इसलिए ये अभी बॉक्स टाइप रिले हमको मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि इसके जगह पे हम दूसरा रिले इसको लगाएंगे। रिले और ओवरलोड हम अलग से लगाएंगे। इसमें तीनों पिन देखिए, तीन पिन रहता है, तीनों पिन को हम लगा करके उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रल फेज का हम लोग वायर कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, चलने लगता है। लेकिन अभी ये हमारा खराब हो गया, ये टूट गया, तो अब हम इसको दूसरा यहाँ पर देखिए, ये हम रिले कोई भी रिले इस तरह से, इस तरह का मॉडल का रिले है, ये हम रिले ले लिए हैं एक, और ये हमारा एक ओवरलोड है। ठीक है, ओवरलोड ये 1.1/3 HP का है। ये हमारा ओवरलोड का क्या काम है कि सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा, अगर कंप्रेसर ज्यादा ओवरलोड लेता है, ज्यादा एम्स लेता है, तो ये कट ऑफ कर देता है। ठीक है, इसका बस वही पर्पस है। तो आपके पास अगर सेम HP का मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो आप ऊपर नीचे थोड़ा देख करके इसको यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हम अभी आपको चेक करना बताएंगे कि HP अगर अगर OLP खराब रहता है आपका, तो आप कैसे चेक करेंगे। अगर आपका रिले खराब है तो कैसे जानेंगे, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये कंप्रेसर का 3 टर्मिनल है। ठीक है, तीनों कंप्रेसर का टर्मिनल को पहले हमको चेक करना। अगर हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं करेगा। तो हमको सबसे पहले कंप्रेसर का टर्मिनल चेक करना है, तो उसके लिए आपके पास एक क्लैंप मीटर चाहिए। देखिए, ये हमारे पास क्लैंप मीटर है। क्लैंप मीटर को क्या करना है, ये ऑफ पोजीशन में है, अब हमको इसको कहाँ लेके जाना है, ये ऑन पोजीशन में करेंगे हम लोग। ये कंटिन्यूटी जो है ना, कंटिन्यूटी का पॉइंट यहाँ पर हम लोग ले जाएंगे, और इससे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि कितना इसका कंप्रेसर सही है कि नहीं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप बहुत कुछ आपको सीखने को इसमें मिल जाएगा। अभी हम लोग इसको कंटिन्यूटी मोड में सेट कर दिए, अब हम आपस में ये तीनों को चेक करेंगे, तो ये तीनों में हमारा रीडिंग आना चाहिए। ये देखिए, रीडिंग शो कर रहा है, इसमें चेक करेंगे, इसमें भी रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, ये क्लैंप मीटर ऊपर नीचे है, वो रीडिंग शो करते दिखाते रहता है, बस आना चाहिए हमारा रीडिंग। तो ये हमारा रीडिंग सब आपस में आ रहा है। और कैसे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हम लोग निकालते हैं, तो उसका अलग से एक वीडियो हमारा डाला हुआ है, तो आप लोग उसको देखें, एक ही वीडियो में लंबा हो जाएगा। तो इस ये जो हमारा पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है ये कॉमन है, ये वाला पॉइंट जो हमारा है ये रनिंग है, और ये वाला हमारा पॉइंट जो है स्टार्टिंग, हम पहले निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा रिले को डालेंगे। ये हमारा एक रिले है ना, और दूसरा ये हमारा ओवरलोड है, तो ये दोनों को हम कनेक्शन करेंगे। ये हमारा जो ये अपना आया प्लग, ये प्लग इसका कंप्रेसर का न्यूट्रल फेज चाहिए ना कंप्रेसर स्टार्ट करने के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से कोई एक को हम लोग क्या करेंगे, अगर ओवरलोड हमको चेक करना है, ये लगा दिए हम। ठीक है, और ये हम ऊपर वाला पॉइंट में लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग, दूसरा ये जो वायर है आप जो देख रहे हैं, एक थर्मोस्टेट से होकर के आया हुआ है, तो वो है इसको अच्छा से लगा लेंगे।
बराबर नहीं दिख रहा है, बराबर है, छोड़िए ऐसे आएगा, इसलिए ओवरलोड लगा दिया ना, इसलिए रिले लगाएगा तो हाथ साफ आएगा। हाँ दोस्तों, तो अभी हमने क्या किया कि एक जो हमारा फेज आ रहा है, ये न्यूट्रल या फेज जिसको बोली, ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे डाल दिया, ओवरलोड से हो करके इसमें डाल दिया, और रिले को हम बाहर निकाल के रखे। अभी रिले को हम विदाउट रिले को हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर को, और ये ओवरलोड के साथ यहाँ लगा दिए। दूसरा ये जो रनिंग जो पॉइंट है, रनिंग पॉइंट में एक हम फेज को लगा दिए। अब जब हमको स्टार्ट करना होगा तो एक पॉइंट हमारा खाली बच रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, वो हमारा खाली बच रहा है। तो अभी हमको चेक करने के लिए कि हमारा ओवरलोड क्या सही है कि नहीं सही है, ये हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये अपना टेस्टर से ये रनिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, ये दो पॉइंट को आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये मालूम चलेगा कि ये हमारा ओवरलोड सही है, इसके अंदर से सप्लाई हमारा आगे आउट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लाइव आपके साथ। तो हम प्लग लगाते हैं, ये प्लग हम लगा दिए। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये हमारा अभी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा यहाँ पे। देखिए, इसको जैसे ही हम टेस्टर को यहाँ पे टच किए अपना रनिंग और स्टार्टिंग में, तो ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कि जो हमारा ओवरलोड से जो ये सप्लाई जा रहा है, ओवरलोड हमारा सही है, और रिले हमारा खराब हो जाएगा ऐसा सिचुएशन में। ये अभी हमारा ये भी सही है, इसको हम चेक करके दिखाएंगे कि रिले जब आपका सही रहेगा तो ओवरलोड से आपका काम नहीं करेगा। अभी हम वो भी दिखाते हैं आपको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, इसको बंद करेंगे, और बंद करके उसके बाद रिले लगा करके ओवरलोड हटाकर डायरेक्ट चालू करके देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम रिले का एक पॉइंट पर ये लगा देते हैं। ओके, ये लगा दिए इधर। ठीक है, अब ये जो वायर हम जो ओवरलोड से लगाए थे, इससे इसको अब डिस्कनेक्ट करके, इसको हटा करके, और हम डायरेक्ट चेक करेंगे डायरेक्ट लगाकर। अभी क्या किए, ये ओवरलोड से निकाल करके हम ये वायर को ऊपर जो हमारा कॉमन का वायर लाइन है उसको हम डायरेक्ट कर दिए, और यहाँ नीचे में हम रिले लगाए, रिले के एक पॉइंट में हमारा रनिंग में हमारा एक सप्लाई लग जाता है, वो हम डाल दिए, और इसको ओवरलोड को हम निकाल दिए। तो अगर अभी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है, ये सिचुएशन आपको मिलता है, पहले से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं है, तो आप जाएंगे चेक करने, तो वन बाय वन चेक करें रिले खराब है कि अपना ओवरलोड हमारा खराब है। ठीक है, तो अभी हमने ओवरलोड को इसका पहले चेक किया कि ओवरलोड हमारा सही था, तो रिले उसमें आपको मालूम चल जाएगा, और अभी हमने ओवरलोड को हटा दिया, अब रिले से हम चेक करेंगे डायरेक्ट कि रिले हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी हमारा ये सिचुएशन में स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये ओवरलोड रिले का सिर्फ और सिर्फ काम है तब ज्यादा एम्स आने के बाद कट ऑफ करने के लिए, इसलिए डायरेक्ट ये सप्लाई बाईपास होगा। ये देखिए दोस्तों, तो अभी हमारा ये रिले सही है, और हमारा ऐसा सिचुएशन में ओवरलोड ओएलआर हमारा जो है खराब हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताया कि किस तरह से आप अपना ओवरलोड को चेक कर सकते हैं और रिले को चेक कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीज के पास आप गए तो ये कॉमन फॉल्ट है, मोस्टली इस तरह के आपको ज्यादा फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा फ्रीज में, ज्यादातर यही सब फॉल्ट होता है। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे तो हमारा चैनल पे बहुत सारा टॉपिक पे बात होता है अपना थ्योरी चिलर लाइन से और पैकेज डीएक्स सब तरह के। तो दोस्त का एक रिक्वेस्ट था कि हम फ्रीज पे बनाएं, इसलिए हम फ्रीज पे भी आपको बता दिए कि किस तरह से ये रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
अभी हम लोग डायरेक्ट रिले और इसको ये बॉक्स टाइप रिले को हटा करके और उसके बाद इसको लगा कर हम चालू करेंगे, ठीक है एक सर। ये हमारा ओएलआर सबसे ऊपर लाइन में लग जाएगा, ओके ये बैठ गया। उसके बाद हमारा ये रिले का पॉइंट है, ये रिले का पॉइंट हमारा बैठ गया। ये रनिंग में एक वायर हम लगा दिए इधर में राइट साइड में, और ऊपर कॉमन में एक सप्लाई ओएलआर से होकर के जा रहा है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको तो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से आप इसको हटा करके इसको आप हटा दें और इसको लगा सकते हैं। अगर ख़राब हो जाता है तो आप चालू कर सकते हैं अपना कंप्रेसर को, फ्रिज को।